हेलो दोस्तों, तो आइए आज हम बात करते हैं एमपीपीएससी 2014 से 18 तक की प्रारंभिक परीक्षा के कट ऑफ्स के बारे में। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि 2015 से पहले प्रारंभिक परीक्षा के दोनों पेपरों के आधार पर हमारी मेरिट लिस्ट बनती थी, लेकिन 2015 से प्रारंभिक परीक्षा का पेपर सेकंड क्वालिफाइंग हो गया और इसमें 33% नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए, और पेपर फर्स्ट के आधार पर अब हमारी मेरिट लिस्ट बनती है। तो आइए अब देखते हैं किस वर्ग का कट ऑफ्स क्या रहा। तो बात करते हैं 2014 की। तो दोस्तों, सामान्य वर्ग का के पुरुष वर्ग का 276 रहा और महिला वर्ग की 256। ओबीसी के पुरुष वर्ग का रहा 264 और महिला वर्ग का रहा 248। एससी वर्ग के पुरुष वर्ग का रहा 246, महिला वर्ग का रहा 234। एसटी वर्ग के पुरुष वर्ग का रहा 218, महिला वर्ग का रहा 212। अब 2015 की बात करते हैं दोस्तों। तो सामान्य वर्ग के पुरुष वर्ग का रहा 156, महिला वर्ग का रहा 148। ओबीसी की बात करते हैं तो वो पुरुष वर्ग का रहा 152, महिला वर्ग का रहा 142। एससी की बात करते हैं तो पुरुष वर्ग का रहा 142, महिला वर्ग का रहा 136। एसटी की बात करते हैं तो पुरुष वर्ग का रहा 134 और महिला वर्ग का रहा 126। तो अब आइए 2016 की बात करते हैं। तो इसमें सामान्य वर्ग के पुरुष वर्ग का रहा 162, महिला वर्ग का रहा 156 और ओबीसी के पुरुष वर्ग का रहा 158, महिला वर्ग का रहा 150। एससी के पुरुष वर्ग का रहा 152, महिला वर्ग का रहा 144। एसटी के पुरुष वर्ग का रहा 150 और महिला वर्ग का रहा 134। अब आइए 2017 की बात करते हैं। तो पुरुष वर्ग का रहा 138, महिला वर्ग का रहा 126। ओबीसी की बात करते हैं तो इसके पुरुष वर्ग का रहा 132, महिला वर्ग का रहा 118 और एससी की बात करते हैं तो इसके पुरुष वर्ग का रहा 122, महिला वर्ग का रहा 110। एसटी की बात करते हैं तो इसके पुरुष वर्ग का रहा 110 और महिला वर्ग का रहा 100। अब आइए दोस्तों 2018 की बात कर लेते हैं। इसके सामान्य वर्ग के पुरुष वर्ग का रहा 138, महिला वर्ग का रहा 128। ओबीसी के पुरुष वर्ग का रहा 134, महिला वर्ग का रहा 132। एससी के पुरुष वर्ग का रहा 126, महिला वर्ग का रहा 122 और एसटी के पुरुष वर्ग का रहा 118 और महिला वर्ग का रहा 114। तो भाई दोस्तों, हम लोगों ने जान लिया है किस वर्ग का कितना कट ऑफ रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर यहीं खत्म करते हैं।